असलम आप देख रहे हैं जल न्यूज़ और प्रोग्राम है बातचीत और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तनवीर हसन आज हम मुख्तलिफ़ मौजुआत पे बात करेंगे ख़ास तौर पर जो आज कल मौजू बहस जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें बना हुआ है वो है डी जी आई एस आई की तकर्री और उस हवाले से जो वज़र अजम और आर्मी चीफ़ के दरमियान गुजशत शब बड़ी तवील मुलाकात हुई है और उसमें मामला तय पा गए हैं और वज़ी अजम ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं डी जी आई एस आई जो पहले रह चुके हैं वो दोबारा इस अहदे पर रहें लेकिन कुछ मामलात अभी तय जो है वो मुकम्मल तौर पर हो रहे हैं होने जा रहे हैं तो उसमें समरी जो है वो मंगवा ली गई है जिसमें पांच नाम होंगे और उनमें से कोई एक नाम जो है वो वीर अजम फाइनल करेंगे आ, ये एक बात थी और मैं समझता हूँ कि इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए नहीं आ, क्योंकि ये इदारों का मामला है और ये रियासत के इदारे हुकूमत के इदारे नहीं के है रियासत के इदारे हैं तो इनके ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए लेकिन आ, आ, अभी मैं आ, जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं वहाँ देख रहा था तो इसको बड़ा आ, हाशिया आ, लगा कर इस बात को किया जा रहा था और इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा था कि ये आ, ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद अब पाकिस्तान में और कोई मसला नहीं रह गया और यही एक मसला है जिस पे बात हो सकती है तो दोस्तों ये बात नहीं है पाकिस्तान के असल मसाइल क्या हैं वो ये हैं कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो नेक्स्ट तारीख़ आ रही है जो कि पेट्रोली मसनू की कीमतों का जिसमें तयन किया जाता है पंद्रह अक्टूबर तो पंद्रह अक्टूबर को पाँच से छ रुपए पेट्रोल मज़द महंगा होने जा रहा है ये इतलात हैं कि जो उगरा है वो ज़्यादा डिमांड करेगा कि पेट्रोल को महंगा किया जाए लेकिन वज़ी अजम जो हैं वो पाँच से छ रुपए की मंजूरी हतमी तौर पर दे देंगे और इसके साथ ही आप ये समझ सकते हैं कि कितना महंगाई का एक एक फ्लड आएगा एक रेला आएगा जो कि पहले भी आ चुका है पिछली दफ़ा भी आठ एक रुपये का इजाफा किया गया है और ये तारीख की नहीं सतह है पेट्रोलियम मसनूआत की इसको आलमी कीमतों से जोड़ा जा रहा है आलमी मार्केट में कीमतें नो डाउट के बढ़ी हैं लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो रिलीफ है वो किसी सूरत हुकूमत देने के लिए हमें आमादा नज़र नहीं आती जब आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो फिर लेवीज़ टैक्स और और बहुत सारे टैक्सेस उसमें शामिल करके तो पेट्रोल की कीमत जो है वो एक ख़ास सतह तक रखी जाती है और आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं दिया जाता तो अगर आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होना आलमी सतह पर अगर कीमतें बढ़ जाएँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं होना होना होता और अगर वो कीमतें कम हो जाएँ तब भी रिलीफ नहीं दिया जाता तो हर दो सूरतों में आवाम को तो कहीं पर भी हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा उन्हें कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा आ, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि कोविड के बाद जो तरक्की याफ़्त ममालिक हैं उनकी मीषत बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हुई है और पाकिस्तान तो एक तरक्की पजीर मुल्क है और इसकी मीशत का क्या हाल हुआ है ये को समझना इतना इतना मुश्किल नहीं है ये कोई इतनी बड़ी राकेट साइंस नहीं है सबको पता है आप लोगों को भी पता है आप लोग भी पाकिस्तान में जो लोग हमें देख रहे हैं रहते हैं उनको ये इस चीज़ का पता है कि किस तरह से लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं लोग अपनी नौकरियों से मुलाजमतों से फारे किए गए हैं वो अभी तक बहाल नहीं हुए तो जब आमदनी जो है वो सुकड़ जाएगी फीकस आमदनी सुकड़ जाएगी तो उसके लिए रोजमर्रा की अशिया ख़रीदना जो कि ज़िंदगी को रवान दमां रखने के लिए ज़रूरी है जिसमें किचन आइटम्स हैं और ये कोई लग्जरी नहीं है इसको कोई तयश तयश नहीं कहा जाता तयशात में नहीं है तो ऐसी चीज़ें अगर लोग नहीं ख़रीद पा, पाएंगे तो क्या करेंगे और उसके साथ साथ जो साइड बाय साइड चीज़ें हैं जैसे कि क्राइम है क्राइम रेट बढ़ता है और दुनिया भर में ये ऐसा ही होता है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है जहाँ पे महंगाई की जो शराह है उसमें इजाफ़ा हो जाता है तो उसके साथ साथ जो क्राइम है वो भी बढ़ जाता है और ये हो रहा है इस्लामाबाद में आ, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान का दारुल दारकूमत है और इसमें और इसके जुड़वा शहर रावलपिंडी में क्राइम की शरह जितनी बढ़ी हुई है कम अज कम आठ दस साल पहले या पाँच साल पहले ये शरह नहीं थी जराइम की तो इसकी वजह जो है वो यही सामने आती है कि जो हमारे बहुत सारे यंगस्टर हैं वो बेरोज़गार हैं और वो ज़ाहिर है कि उनके ऊपर भी दबाव है कि वो अपने रोज़मर जात कैसे पूरे करें तो कुछ लोग जो है वो अनफ़ेयर मींस की तरफ चले जाते हैं और कुछ लोग जो है वो कर्जों में जकड़े जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेच देते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए तो ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है और इस पे मैं समझता हूँ कि बात होनी चाहिए और लोगों का जो एक एक तासर है कि मौजूदा गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाई उस में कितनी सदाकत है आलमी मंज़र मन, नामा क्या है कोविड के बाद सूरत हाल की, कैसे ख़राब हुई है ये सारी चीज़ें मिल मिला के बहरहाल इसका जो इम्पेक्ट है वो आम आदमी पर पड़ रहा है और आम आदमी के लिए कि जिसकी जो फ़ीका आमदनी है वो कम अज़ कम मजदूर की तनख्वाह बीस हज़ार मुकर की गई है वो भी उसको कहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलती है अगर मिल भी जाए बीस हज़ार रुपये उसको तो उसमें वो किस तरह से अपनी फैमिली का गुज़ारा कर सकता है ये क्वेश्चन हैं ये सवालात हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है जिन पे सोचने की ज़रूरत है और हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि हुकूमत जितना ज़्यादा सब्सिडी दे सकती है वो फूड आइटम्स पर दे और वो टारगेटेड सब सब्सिडी होनी चाहिए सबके लिए नहीं होनी चाहिए कि जो लोग ख़रीद सकते हैं जिनकी क़त खरीद जो है वो बेहतर है वो भी सब्सिडी पे चीज़ें लें और जो नहीं खरीद सकता वो भी सब्सिडी पे जो है चीज़ें लें टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए और उन लोगों को फोकस किया जाना चाहिए जिनकी फ़ीकस आमदनी कम है और उनको रिलीफ देने की ज़रूरत है उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस तरफ तोज्जो करेगी आज का प्रोग्राम इतना ही है आइंदा प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए अपने मेज़बान तनवीर हसन को इजाज़त दीजिएगा अपना अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़